वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंक को ग्राहक के लिए 50,000 रुपए निकालने की सीमा तय कर दी है, यानी ग्राहक अब एक महीने में सिर्फ 50,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। इसके बाद ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। यस बैंक के इतिहास को देखें तो इस बैंक ने भारत में ज्यादातर ऐसे कंपनियों को पैसे दिए जिनका वित्तीय रिकॉर्ड साफ नहीं रहा है। यस बैंक को पिछले कुछ सालों में लगातार एक के बाद एक कई झटके लगे और वित्तीय हालत खराब होती चली गई। गुरुवार को एक और झटका लगा जब आरबीआई ने यस बैंक से पैसे निकालने की सीमा तय कर दी। इससे पहले यस बैंक को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर को पद से जबरन हटा दिया था। जब से यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर को हटाया गया तब से बैंक की हालत लगातार खराब होने लगी। आरबीआई को शक था कि यस बैंक एनपीए और बैलेंस शीट में गड़बड़ी कर रहा है, इसके बाद ये कार्यवाही की गई। अगर यस बैंक के इतिहास पर गौर करें तो समझ में आएगा कि आरबीआई को ये शक क्यों हुआ। छोटे से बैंक से शुरू होने वाला यस बैंक पिछले एक दशक में 3,00,000 करोड़ की एसेट वाली कंपनी बन गई। आपको बता दें कि पिछले साल 24 सितंबर को आरबीआई ने महाराष्ट्र के पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक में धोखाधड़ी उजागर होने के बाद उस बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। शुरुआत में आरबीआई ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों को बैंक से पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी और उनको 6 महीने में सिर्फ 10,000 रुपए निकालने की इजाजत दी थी। हालांकि बाद में आरबीआई ने निकासी की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।